यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं मिलेनियम सिटी गुरुग्राम में काम कर रहे लोगों की आधी परेशानियों को एक रोबोट ने दूर कर दिया है। ऑफिस में मशीन की चाय पीकर उब चुके लोगों के लिए ये रोबोट किसी सपने से कम नहीं है। जी हां, ऑफिस में बैठे बैठे अब आप घर वाली चाय पी सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर आकाश ने बताया है कि इस रोबोट के चलते उनके कर्मचारी काफी खुश हैं। जिस तरह ये रोबोट काम कर रहा है उससे तो ये लगता है कि वो दिन अब दूर नहीं जब ये रोबोट जनाब आपको घरों में भी नजर आने लगेगा। तो रोबोट जो है ये सभी को चाय पिलाता है। अगर आप कंपनी की मशीन वाली चाय पीकर उब चुके हैं तो ये रोबोट आपको बिल्कुल घर वाली चाय बनाकर देगा और आपको एहसास होगा कि आप बिल्कुल घर वाली चाय ही पी रहे हैं। तो कंपनी के डायरेक्टर आकाश ने ये सभी जानकारी दी है। गुरुग्राम के कंपनी ने ये चाय रोबोट रखा है। तो चाय रोबोट रखा गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, कंपनी के डायरेक्टर ने खुद बताया है। और ये जो रोबोट है, जिस तरीके से कंपनी में काम करते लोगों ने देखा होगा कि मशीन की जो चाय वो पीते हैं वो घर की चाय से बिल्कुल एकदम अलग होती है, लेकिन ये जो रोबोट है बिल्कुल घर की चाय आपको बनाकर देगा। मैं ऑफिस आता हूँ तो कभी मुझे मिल नहीं सकती, और मैं चाहता था कि कोई ऐसा तरीका हो कि उनकी रेसिपी जैसी चाय हम बार बार हर जगह पे जहाँ भी मैं जाऊँ वहाँ मिले। तो मैं और मेरे फादर दोनों को ही बहुत प्रेरणा मिली उनसे कि चाय हम लोग बनाना शुरू करते हैं, ऐसी मशीन जो वैसी ही रेसिपी बनाए जैसी आप चाहते हैं और फ्रेश इन्ग्रीडियंट यूज़ करें, ना कि लाइक नकली पाउडर मिल्क ये सब यूज़ करें। नहीं, जब हमने मेक इन इंडिया के बारे में सुना तो हमारा मोटिवेशन डबल हो गया कि ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को अगर किसी तरीके से सरकार से हेल्प मिलती है तो हमारे लिए फ़ायदा ही है उसके लिए। हम मेक इन इंडिया में ही रहना चाहते हैं क्योंकि ये इंडियन चाय पसंद करते हैं, तो इसलिए हम लोग ये जो कैंपेन है स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि हम इसमें अप्लाई कर सकें। जी, अभी रोबोट जो है वो बहुत मैच्योर होगा, अर्ली स्टेजेस में है। जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाएगा तो क्लाइंटेज डिफरेंट टाइप की होती जाएगी। तो पहले हम इसे कॉर्पोरेट्स में लगाना चाहते हैं, जहाँ पे एम्प्लॉयज को एक अच्छी चाय नहीं मिल पाती तो वो सड़क पे जाते हैं चाय पीने, या किसी से ऑफिस में बनवाते हैं या कैफेज जाते हैं। लेकिन अगर चाय उन्हें ऑफिस में मिल सके तो कंपनी का टाइम भी बचेगा और एम्प्लॉय की खुशी का लेवल भी ऊपर आएगा।